जिम कर रहा था तभी एकदम से फोन आया प्रीत का के बेबी का ना हाथ उतर गया है। भाई बहुत तेज रो रही। पापा शिम शिम हो जाएगी बिचाले की। शिम 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 ढक दो, शिम शिम ढक दो, तेरे मुंह पे ही मारा को दाम। खुशी गोद में बैठ जा। पापा आपको पता है जब ना मैं कृष्णा जी अमो यही कमरे में शांति मिले और कहीं नहीं। पता है पापा जी जब ना मम्मी लड्डू पल जी को नहाती है श्रृंगार करवाती है तब लड्डू पल जी अधूरे रह जाते हैं। दो बुला रही है वो कह रही है कर ये कर लगी मुझे बात है। भाई ये सही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और सुबह शुरुआत करते हैं अपना खाने से, आलू शिमला मिर्च की सब्जी है और बाकी रोटी सब्जी रायता। मैं देख रहा हूँ मोगली, मोगली देखते देखते खाता हूँ क्योंकि बच्चों के आने से, क्योंकि उस टाइम पे दीदियों के बच्चे आए थे और अभी भी प्रीत की भाभी और उनका बच्चा आया हुआ है, तो मैं भी बच्चों वाले सीरियल्स देखने लग गया हूँ और वैसे मैं भी तो बच्चा ही हूँ तो खाना खा लेता हूँ। ओ भाई मैं कितना चालाक हूँ, मैंने देखा एकदम प्रीत सोती हुई, बढ़िया नींद में सोते हुए एकदम आई है यहाँ पे। मैं छोटा भीम देख रही थी। अच्छा देख रही थी तुम छोटा भीम? अच्छा मुझे लगा मैं ही देख रहा था। तो ये अपना लड्डू लेने के लिए आई है, यहाँ पे दूध गर्म कर रही है। तो भैया मेरी पनीर की डाइट नहीं बन रही, ठीक है ना, सुबह खानी थी लेकिन नहीं खिलाई। तो अभी मैंने मैडम जी से, हाँ जी, तो मैंने कहा जी मेरा पहले पनीर की डाइट उसके बाद में जो भी खाना है वो खाना। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना अपनी पति के लिए डाइट बनाते हुए? नहीं। इधर देखना, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? कैसा लग रहा है, हैं? कितनी आराम कर रही थी बढ़िया तरीके से एसी में और एकदम से पीछे पीछे आ गई। कैसी वाली फील आ रही है? मजदूर, बस इतना ही बोलना। मजदूर मजदूर के इतने मोटे डोले नहीं होते। ये बहुत है। हाँ, दो पीस। ये दो पीस, हाँ चलो ये मोटे मोटे दो पीस बहुत है, मोटे मोटे तुम्हारे तरह खा जाऊंगा इनको। अच्छा चीटिंग कर रही है, चीटिंग ना करेगी छोरी, ठीक है ना। वो लेकर मैगी मसाला, मैगी मसाला लेकर तो आ गया, चल चिप्स खा लेता हूँ एक दो। और क्या हुआ ना, मेरे को काम था, है वैसा बीबी, एक मिनट रुको पंखा बंद कर दूँ, ये तो देखते नहीं है, बिल आ जाता है मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ तो मेरे कैमरे में ना एक दिक्कत हो रही है और ये कैमरा मेरे को ठीक करवाना है। ओ शिट अभी गिर गया था ये कैमरा, मेरे को ठीक करवाना है। इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसके लेंस में ना एक डॉट आती है, तो मैं सोच रहा हूँ ले जाके इसके ठीक करवाऊँ। लेकिन कुछ वीडियोस भी बनानी है क्योंकि जब मैं ले जाता हूँ ना वो साले रख लेते हैं इसको कम से कम 10-15 दिन के लिए, पर ये दिक्कत हो जाती है। कोई नहीं, पहले आज मैं उनसे पूछ आऊँगा हाँ भी कैसे कैसे क्या है, फिर क्योंकि अभी गारंटी में है ना फिर ये ठीक होगा, तो इसको ले जाऊँगा फिर उसके बाद इसको ठीक करवाऊँगा। अभी वैसे पनीर की डाइट बनवा लेता हूँ। लो जी दो इसने मोटे मोटे पीस बना दिए हैं पनीर के, ये पता नहीं अच्छे तरीके से आज ग्रिल भी हुए होंगे या नहीं। 12 मिनट का भर रखा था तुमने, 15 मिनट भरते हैं? हाँ बस झूठ बोलने लग रही। अरे फोन ऐसे कैसे करूं, देखो ये वो क्या कहते हैं डकार दिला रहा हूँ इसे, अभी इसने दूध पिया है लेकिन ये हिचकिया ले रही है ना बच्चा। अगर इतनी बची है तो सारे डाल दो, मैं सारी खा जाऊंगा आज में। और जब मैं जिम से आऊँ तो मेरे को याद दिला देना तो मैं ये ले आऊंगा, सारी डाल दो। अरे क्या बची भी है इसमें कुछ है? ड्रामा ये निकलने दी। हाँ निकल दो भैया, निकल गई निकल गई बेटा। उसको अच्छे से पकड़ो, अच्छे से पकड़ रखी मैंने, ठीक है ना, आता है मेरे को।
सीख गया हूँ मैं। हाँ लोगों ने कमेंट में बोल बोल के मेरे को बता दिया है भैया ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ो। तो अब मेरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई है, सिर्फ इसकी कमर सीधी रहनी चाहिए बस, समझे। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं जिम करने के लिए। ये जिम का ऐसा भूत सवारा, आज मेरे को जरूरी काम था, बहुत जरूरी, जो तुम्हारे भाई ने दुकानें खरीदी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना था, फाइनल डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो भूल गया या फिर थोड़ी सी गर्मी लगा लो, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब कि किसी काम के लिए निकलता हूँ ऐसा लगता है कि अरे कल कर लूँगा या शाम को कर लूँगा या सुबह कर लूँगा, तो इस तरह का हाल है। अब विल पावर जो है ना, विल पावर ना अब जैसे पहले थी ना, एक बार मतलब आज से 3-4 साल पहले ऐसी थी, मतलब कि चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, क्योंकि उस टाइम पे पैसे कमाने का तगड़ा शौक था, राइट। तो मेहनत करनी है, कहीं भी जाना है जाना है, जाता था। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि भाई जो भगवान दे रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, जितना भगवान दे रहा है उसमें ठीक है। तो वो विल पावर इस तरीके से डाउन हो गई है। तो अब जो काम भी करना होता है ना, उसके लिए भी ये सोचता हूँ कि अरे कल हो जाएगा, अरे शाम को हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। तो ये तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिम के साथ साथ, शरीर के साथ साथ, अपनी विल पावर जो थोड़ी सी ख़त्म हो गई है उसको भी फिर से वैसे ही करता हूँ जैसे मैं पहले था। क्योंकि जैसे मैंने कल एक रिप्लाई की वीडियो बनाई, मैंने उसमें अपना गुस्सा देखा, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने आप को ऐसा नहीं देखना चाहता, तो वो मैंने व्लॉग डाला ही नहीं। इसी तरीके से जो जो मुझ में कमियाँ हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस साल में 2024 में मैं उन कमियों को दूर करूं और 2025 में फिर से धांसू तरीके से आप लोगों के सामने आऊं। तो अभी जिम कर लेता हूं, शरीर को स्ट्रांग कर लेता हूं और आज से ही विल पावर शुरू हो जाएगी। अभी आधे घंटे ही हुए थे, आधे घंटे में घर जाना पड़ रहा है क्योंकि जिम कर रहा था तभी एकदम से फ़ोन आया प्रीत का कि बेबी का ना हाथ उतर गया है, जो रेखा है उनकी बेटी का हाथ उतर गया। वो दिन में कुछ खेल रही थी शायद, उस वजह से कुछ हो गया लगता है। तो रोई जा रही है। आधा घंटा ही हुआ था मुझे जिम में, अब मैं सीधा घर पे जा रहा हूँ। और मम्मी से बात हुई है, अगर कोई लेडी होती है जो ठीक करती है जैसे हाथ वात को चेक करके, तो अगर अभी पॉसिबल होगा तो अभी टिकाऊ निकलना पड़ेगा। तो अभी घर जाता हूँ सीधे शाहरुख खान की दुकान। तो दोस्त पलक झपकते टिकाऊ में, मम्मी के दौर है और मम्मी अभी हमें लेके जा रही। तो डॉक्टर है या फिर जो ना वैसे चढ़ावे वैद, मतलब वैद है। ठीक है। और शायर है ये री और वैद है। मैं सोच रहा हूँ जैसे हम पहले ना जाकर कुमार की जो औरत थी, हाँ हाँ वो करेगी इसमें, हाँ तो वो वैद कहलाई जा। अच्छा हाँ वैद ही और का जो टूटे उठे न चढ़ावे जोड़े, हाँ वैद ही हूँ मैं, औरत हो या आदमी हूँ। तो संजय भाई है शाहरुख की दुकान पे, हाँ तो हम जा रहे हैं बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की दुकान पे, हमारे यहाँ से क्या दुकान पहले भी खान कहती हूँ। हाँ भाई तो कह रहा हूँ यही मैं तो मन के करके कह रहा हूँ, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की दुकान पे, मुंबई से लेकर ने यहाँ तक दुकान खोली है। तो भाई की दुकान पे जा रहे हैं, बड़ो भाई होंच गई है, सही उठना बैठना हो शाहरुख खान की गैल, जब वो दुबई फंक्शन करे तो बता तो रहे, कोई दिक्कत ना हो। और जब भी जैसे मैं वो बियर्ड कटवानी रहे, बाल कटवानी रहे, भाई के दौर जाऊं शाहरुख खान को यू भी काम। जेब भी तगड़ी काटे है, जेब भी तगड़ी काटे है, खुशी के तन्ने के बार छांटे है, भाई के 100 रुपया ले लिए ना के बराबर बिल्कुल। हाँ भैया बढ़िया ही ठगड़ो है तो ब्लॉग देख ले कमेंट करे देखा सीखते ऐसी बाकी हाथ को हिलाना बच्चा शेक करना बेटा शेक नहीं तो उधर दे हाथ हाथ तो रोई जा रही है देखो यहाँ करवा रहे भाई बहुत तेज रो रही है अब जा रहे हैं मम्मी लेके किसी दूसरे के पास अभी वहाँ जहाँ ले गए थे ना वहाँ तो रोई रो रही थी जैसे ही मतलब उसने हाथ वात लगाया हुआ तो मम्मी ने देखते मना कर दिया कि मतलब को वो शायद बच्चों का देखना नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक दूसरे हैं जो देखते हैं मम्मी कह रही थी कि जब वो देखते हैं ना कि एकदम सही ठीक हो जाता है सब कुछ तो यहाँ पे लेके गए हैं
और देखते हैं। वहां तो रोई रो रही थी, रोई रो, लेकिन जैसी हाथ उठाया चुप होकर आई है। मतलब कुल मिला के हाथ ना मूव नहीं कर रहा है इसका। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। दे दे इनका कहो, दे दे इनका कहो, ये घेर के खड़े मुंह क्या है। अच्छा पैटेगरी खत्म हो गई है, देख जा ना। चलो अभी हम आ गए, कर तो दिया है इसको। दे मेरे पेरेंट ने वो ना पैटेगरी खत्म हो गई, खत्म हो गई। ज्यादा ठहर जाओ, मम्मी मारे कि तुम्हें लट्ठा भी रुक जाए। ससुरे घने मुंह लगा रहा है ये। हां अब फिर कटावा और लेनो पड़ेगी। हम अमावर लैंड मतलब फिर सुबह आई। हां हो बहुत ठीक छोरी का है। हां चलो शुक्र है। मेरी चाची मैं तो ये परेशान करूं। अच्छा वो भी बूढ़ी है, कैसा बात मार रही मम्मी। मम्मी परेशान है, इनको पूरा ख्याल रखो, पर मैं ऐसे भाव ना दूं खाना मेरी तरह। अब आराम है, पकड़ ली चॉकलेट है, पकड़ ली। और ये आराम है, चॉकलेट पकड़ ली। हाँ चॉकलेट। और जब कहाँ पकड़ रही, नहीं कुछ भी नहीं पकड़ चॉकलेट पकड़ ली। कोई ना भी और देख लो थोड़ा। अंशु अंशु अंश हे अंशु ओले में ये वंशा बहुत हुआ है। चॉकलेट दे दो, ये देखो ना आके खा। मत नहीं 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 चंटू है, चंटू है, चंटू भैया। ओए आदा भैया, आदा पापा शिमशिम हो जाएगी बिचाले की। शिमशिम शिमशिम ढक दो, शिमशिम ढक दो, तेरे मुंह पे मारा को दा चक्कर है। ना मत ये ले गई सिर्फ, अब इसका भी आएगा है ना। आज तो ऐने किसी शक्ल पे लग रहा है। बढ़िया बन रहा है ना। के क्या नाम है इसका? अंश। क्या अंश पता ना भैया, मैं ना पता ना बोल क्या कहां देख रहा है तू बदमाश। बदमाश चल चल चलो बेटा, बड़ा तो है और छोरी के चल। कोई भी मत लो, मैं अपने देंगी। यू कर रहा है? नहीं नहीं कोई नहीं, आदमी को हाथ मत लगा, देखो ये मत। अच्छा अपना हो गया बेटी, क्या कर रही है बाबू? शायरा शायरा तेरा बेटा गाली गाल दे रहा है, जूम कर रखा था। ओह कैसा हंस रही खुशी की गोद में। करिए फिर से जाइयो। खुशी गोद में बड़ी खुशी। ओह माय खुशी खुशी गोद में तो ये इतनी बड़ेगी बनेगी हमारी बड़ी बहन। ये हंस रही है। एक बार फिर से करिए, एक बार जय बेइज्जती मत करो भैया। अरे बेइज्जती मत करो भैया। स्माइल फेस तो बनाए रखो, बनाए रखो। हंस जा मम्मी। अब ना हंस रही, करवा दी तेरी बेइज्जती। वो हंस गई, हंस गई। हेलो मैं बेटा प्यार करती हूं। ये बात होट बहुत बढ़िया है, होट पतले पतले से हैं। यार रूम में घुसते ही कृष्ण जी ऐसे लगे जैसे हम ये देख रहे हैं। मेरे तो भी है इनके चरण पर ही रहूं मैं तो रात दिन। पापा आपको पता है जब ना मैं कृष्ण जी, अब वो यही कमरे में शांति मिले और कहीं नहीं। पता है पापा जी जब ना मम्मी लड्डू पल जी को नहलाती है श्रृंगार करवाती है तब लड्डू पल जी अब दो बुला रही है, वो कह रही है कर करने लगी मुझे बात कर।
अर्जुन पापा का दे दो, अर्जुन पापा का दे दो, अर्जुन ले ला, अर्जुन बेटा मम्मी संजय कहा कह रही कल का फरमाइश कर रहा हूँ संजय आजकल जब कल बता रही तो ब्लैक घोड़ा अच्छा स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो काले रंग की चाहिए ये बड़ा भाई है जो काले रंग की स्कॉर्पियो ला कैसे देख रही है गाइस गाइस पापा ने कितनी म्याव म्याव कर ली हंसेगी तब भी नहीं मेरे भी हंसती है आज तो कुछ ही पहचान रही है पहचानना आज तक मन खुश है और दिन तो हमने कह देना ना देखी मुंह बनाती रहे मम्मी कुत्ता न रोक रही है बाय मम्मी दोस्तों घर पे आ गए हैं और घर पे बनाया प्रीत ने मेरे लिए वही पनीर की डाइट और बढ़िया लग रहा है अभी मैंने देख यहाँ से एक बाइट खा लिया है ठीक है तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को क्लोज कर देते हैं लेकिन क्लोज करते हैं एक कमेंट के साथ तो कमेंट किया है उनका नाम मेरे को पता नहीं है अभी बट मैं वो जो कमेंट है वो स्क्रीन पे लगा दूंगा कमेंट इसी फ़ोन में है तो बस मैंने पढ़ लिया है तो बोल के बता देता हूँ कमेंट करा उन्होंने भैया आपकी फैमिली बहुत अच्छी है और आपके व्लॉग अच्छे हैं और अच्छा लगता है जब आप गांव की लैंग्वेज में व्लॉग बनाते हो क्योंकि लोग तो शर्माते हैं अपनी भाषा बोलने में और नेचुरल सबसे बेस्ट होता है इस तरीके से कमेंट करा है तो मैं आपको अपना बताता हूँ देखो आज से कुछ टाइम पहले मैं भी यही समझता था यार क्या मतलब गाँव आओ कि शहरी बनो शहरी बनो शहरी बनो ठीक है तो शहरी में कैसे समझता था कि सिर्फ भाषा में क्या कर रहा है क्यों कर रहा है ये इस तरह का आ जाए तो मतलब कि वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा सा लगता है मैंने अक्सर क्या देखा है ना लिटरली लोग बहुत ज़्यादा शर्माते हैं अपनी गाँव की लैंग्वेज बोलने में या फिर उनकी जो बेसिक लैंग्वेज है जरूरी नहीं देखो फरीदाबाद में पूरी एक ही लैंग्वेज बोली जाती है आप चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो राइट यह है कि रूल्स होते हैं कहीं कहीं भाई गांव वाली नहीं बोली जाएगी शहर वाली बोली जाएगी तुम पढ़े लिखे दिखोगे मेरी भी पहले यही सोच थी कि आप पढ़े लिखे दिखते हो जब आप शहर वाली मतलब कि क्या क्यों करके बात करते हो ठीक है जी बहुत बढ़िया तो जब कॉलेज के बाद तो मैंने वैसे जॉब ही करी थी पहले तो मैं लिटरली मैं भी अपने आप को पूरा शहरी दिखा था लेकिन उस शहरी पने में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ऑफिस में जब जाता था वहाँ पे कोई ना कोई कहीं से ऐसे ही आता था वो गांव से थे लेकिन उसके बाद शहर में आए शहर में फिर वो जॉब करने लग गए उनकी जो नेचुरल भाषा थी वो कुछ और थी वो छुपाते थे लेकिन वो शहरी बन के अपनी सारी वो बैकग्राउंड्स हाइड करते थे तो मेरे को भी ये देख के थोड़ा सा ऐसा लगता था यार ऐसा मतलब क्यों है मैं तो इसलिए बोलता हूँ ताकि मतलब कि मैं सिर्फ शहरी लगूँ लेकिन मैं छुपाना नहीं चाहता क्योंकि मैं तो सीधा ही बताता था मैं कहाँ से हूँ कैसे हूँ राइट तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखी कि मतलब कि फेक पंती जितना करोगे ना तो लोग आपको आउटर तो पसंद करेंगे मतलब बार बार से हाँ भी तो बढ़िया कोई दिक्कत ना हो जैसी नज़र मुड़ाएगी ना तुम सूसी तो क्या करो घनो बन रहा हो या कि ऐसी की तैसी हमें पागल समझ रहा हो हमारा हूतिया काट रहा हो क्योंकि आप कहीं भी मिलते हो कैसे भी मिलते हो दूसरे वाला हमेशा समझदार ही होता है चाहे आप उससे कैसे भी बात करो वो शायद आपके दो मीठे बोल शहरी भाषा में सुन के आपके लिए आपके मुंह पे तारीफ कर देगा लेकिन आपके बोलने के तरीके से पता लगा लेगा कि तुम कैसे हो और पीछे मुड़ के आपको गाली जरूर देगा तो डजंट मैटर तुम शहरी भाषा बोलते हो या फिर गाँव वाली भाषा बोलते हो भाषा बोलने क्योंकि जब तुम बोलते हो ना तुम्हारे यहाँ से दिल से निकलनी चाहिए और जहाँ भी क्योंकि मैं ऑफिस में गया तो ऑफिस का भी बता रहा हूँ जहाँ भी मैं जितने भी लोगों में रहा कॉलेज का भी बता रहा हूँ देन उसके बाद में मैंने बिजनेस करा उसका भी बता रहा हूँ हर जगह तो मैंने हर जगह एक ही चीज़ नोटिस करी कि मतलब कि जब कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में हो हिंदी
इंग्लिश या फिर गांव वाली, आपको बस तरीका आना चाहिए, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन से द वे यू स्पीक आपको पता लग जाता है कि आप सच में ये आप झूठी पर्सनैलिटी से कह रहे हो या आप फिर आपकी पर्सनैलिटी सच्ची है। तो मेरे को देखो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हर जगह अपनी इसी लैंग्वेज में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऑफिस में अंग्रेजों से बात करी हुई है, राइट। तो मुझे पता है कि मेरे को इंग्लिश में भी मैं फ्लुएंट हूँ, राइट। हिंदी बोलता हूँ, हिंदी के मेरे सारे अक्षर एकदम सही निकलते हैं, राइट। किसी किसी को ऐसा होता है जब वो इंग्लिश में इंग्लिश काइंड ऑफ कंपनीज में काम करता है ना, इंग्लिश स्पीकिंग में, तो वो क्या होता है उसकी हिंदी बताऊँ कैसी हो जाती है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस तरह की हो जाती। लेकिन जब आप सच में जब आप अपनी रियल पर्सनैलिटी बिल्ड करते हो ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के, डजेंट मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसे हो, लेकिन आपको खुद पे भरोसा है, उसके बाद आप इंग्लिश भी तगड़ी बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप जहाँ पे जैसे लोग मिलेंगे आप वैसे ही रिएक्ट करोगे, आपको जैसे ही गाँव वाले मिल जाएंगे आप गाँव वाले की तरह बोलोगे, और जहाँ पे क्या क्यों बोलने वाले हैं आप वहाँ पे वैसे ही बात करोगे। तो मैंने ये चीज़ देखी है, और ऑब्वियसली जब इंग्लिश में काम करा है तो इंग्लिश में फ्लुएंट था, गांव वाले में फ्लुएंट हूँ, और जब मैं हिंदी के अक्षर बोलता हूँ ना, तुमने हमेशा नोटिस करा होगा मेरे हिंदी के अक्षर भी बहुत सही निकल के आते हैं, तो इस वजह से तो मेरे को शर्म नहीं है अपने गांव वाली भाषा बोलने में, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और रूट है यार हमारे, भूल कैसे सकते हैं इन चीज़ों को। तो आज के व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।